दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़कर भारतीय राजनीति में आए केजरीवाल पर एक के बाद एक घोटालों के आरोप लग रहे हैं। ये बड़ा ही विचित्र है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार मुक्ति राजनीति का सपना दिखा रही थी, उसी के पार्टी के कई दिग्गज कथित घोटाले के आरोप जेल के पीछे है और अब कभी भी मिस्टर ईमानदार सीएम केजरीवाल की बारी आ सकती है। अभी शराब घोटाले की जांच चल ही रही थी कि तब तक खबर आने लगी कि फ्री बिजली के मामले में भी भ्रष्टाचार का आरोप लग सकता है। क्या है खबर आपको बताते हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगाकर घेराबंदी करने वाली बीजेपी बिजली सब्सिडी योजना में भी गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर चुकी है। पार्टी ने दिल्ली सरकार की ओर से कराए जा रहे ऑडिट पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बिजली कंपनियों को दी गई सब्सिडी की जाँच भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग से कराई जाए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार जो ऑडिट करा रही है उसे प्रभावित किया जा सकता है। सचदेवा ने कहा क्या के पैनल वाले ऑडिट को हम स्वीकार नहीं करते हैं, सरकार और डिस्कॉम ऐसे ऑडिट को आसानी से प्रभावित कर सकती है। दिल्ली सरकार की ओर से इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। सचदेवा ने पूछा कि क्या किसी निजी ऑडिटर ने कभी अपने क्लाइंट के खिलाफ रिपोर्ट दी है। दिल्ली सरकार ने एक दिन पहले ही बिजली नियामक DRC को 2016 से 2022 के बीच डिस्कॉम को जारी की गई बिजली सब्सिडी का विशेष ऑडिट करने का आदेश दिया ताकि किसी भी अनियमितता की पहचान की जा सके और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। सचदेवा ने कहा कि पावर सब्सिडी का कैग इम्पैनल्ड ऑडिटरों से ऑडिट कर छलावा है। ये कैसे मुमकिन है कि प्राइवेट ऑडिटर जिससे पैसे लेगा उसके खिलाफ रिपोर्ट देगा। पिछले 8 सालों से अरविंद केजरीवाल निजी कंपनियां मिलकर घोटाला कर रही हैं। हम मांग करते हैं कि ऑडिट कैग से हो। सचदेवा ने कहा कि पिछले 8 साल से अधिक समय से अरविंद केजरीवाल सरकार पावर डिस्कॉम को बिजली सब्सिडी बिना किसी ऑडिट मैकेनिज्म के देती रही है। उन्होंने कहा सच तो ये है कि पावर डिस्कॉम में दिल्ली सरकार और निजी कंपनियां बराबर की भागीदार हों। पावर डिस्कॉम बोर्ड में आम आदमी पार्टी नेताओं की नियुक्ति की पोल खुलने के बाद यह सवाल उठता रहा है कि पावर डिस्कॉम को दी गई सब्सिडी का एक हिस्सा क्या किसी न किसी रूप में आम आदमी पार्टी को वापस मिल रहा है। केजरीवाल सरकार को ये ऑडिट सिफारिश उपराज्यपाल के जांच शुरू करने के बाद करनी पड़ी है। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी नए नए आरोपों में घिरती जा रही है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।